पानीपत के आशीर्वाद अस्पताल में अजय नामक कचरौली निवासी बीते दो रोज से इलाज के लिए भर्ती था। बताया जा रहा है कि अजय नशे का आदि था। इलाज के दौरान अजय ने नशा किया जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उस मामले की सूचना पाकर अजय का इलाज कर रहे डॉक्टर वेद प्रकाश ने अजय को रेफर कर दिया, जिस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और हंगामे के दौरान डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ के साथ भी मारपीट की। इस हंगामे में हॉस्पिटल में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। मामले की सूचना पाकर थाना शहर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टर की शिकायत पर आरोपी परिजनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सुरेश सैनी का कहना था कि हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशीर्वाद हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जो है कचरौली गांव का एडमिट था, जो 30 तारीख को एडमिट हुआ था किसी सीरियस कंडीशन में, उसके बुखार था कोई, और उसकी जो है इलाज के दौरान जो यहाँ कंडीशन ख़राब होगी तो रेफर कर दिया गया था डॉक्टर साहब द्वारा। तो उसके परिजनों ने जो है ये तोड़फोड़ की है, मारपीट की है, इस संबंध में हमने डॉक्टर साहब की दरखास्त पर FIR दर्ज कर ली है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कुछ डेरा प्रेमी भी शामिल हुए बताए जा रहे हैं? वो देखो जांच करेंगे, तफ्तीश में जिसके भी खिलाफ जो भी एक्शन बनेगा वो करेंगे। कानून को किसी को भी हाथ में ले जाने की इजाज़त नहीं है। पानीपत से AJR TV न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।